हेलो बच्चों, मैं सौरभ शर्मा, डायरेक्टर कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन। देखिए, नीट का एग्ज़ाम 17 जुलाई को है, सब लोगों को पता है। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग लास्ट ईयर के सवाल लगा रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज रिविज़न चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन बीच बीच में आप लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होंगे। कभी किसी बच्चे को ऐसा लगता होगा कि शायद इस साल मेरा ना हो पाए, शायद ये कॉन्सेप्ट मुझसे नहीं हो रहा है, या कुछ सवाल नहीं हो रहे हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि आपसे सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये समय जो अभी का है ना, ये आपकी मेंटल टफनेस का समय है। जितना ज़्यादा आप अपने मेंटल लेवल को स्ट्रांग रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपने समय का यूटिलाइजेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नीट के एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो कभी कभी होता है कि हम लोग सवाल लगा रहे होते हैं, एक सवाल नहीं होता है, हम फंस जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद ये सवाल हमसे नहीं हो रहा है या एग्ज़ाम में हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, अभी का जो समय है हमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपना रिवीजन प्लान करना है, अच्छे तरीके से रिवीजन प्लान करना है। देखिए, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैंने सवाल किया और मेरा सवाल नहीं हो रहा है, या मेरे से सारे सवाल हो रहे हैं, एग्ज़ाम में भी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सवाल को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आप डिप्रेशन में अपना 2 घंटा बेकार कर दे रहे हैं, तो वो बहुत बेकार चीज़ है। क्या आप सवाल लगाते लगाते सो गए, फिर हुआ कि पूरा दिन निकल गया, परेशान हो गए? आपसे जो सवाल नहीं हो रहा है ना, उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर रिसर्च मत करिए, R&D मत करिए, क्योंकि ये समय उन चीज़ों का नहीं है कि आपको नई चीज़ें सीखनी है, ये समय उस चीज़ों का नहीं है। लास्ट टाइम में आपका जो स्ट्रेटजी है ना, वो ये होनी चाहिए कि साल भर आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर पाइए, उस चीज़ को आप आउटपुट दे पाइए, क्योंकि नई चीज़ें तो बहुत सारी हैं, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, तो उनको बहुत ज़्यादा अब नई चीज़ों को पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास हार्डली 20 डेज बचे हैं। तो 20 दिन में आप ये नहीं प्लान कर सकते कि आप नई चीज़ों को सीखें। कोई टॉपिक आपका वीक रह गया, आप उसको छोड़ दीजिए, बट जो आपका टॉपिक अच्छा है उसको आप बहुत स्ट्रांग करिए, बहुत स्ट्रांग करिए। और